हेलो फ्रेंड्स, इस बार मैथ्स स्टैट्स का रिजल्ट जो है सीए फाउंडेशन में ऑसम आया है और मेरे साथ में मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के ऑसम फैकल्टी नीरज बत्रा सर हैं, जिनसे मैं पूछना चाहूंगा कि सर 99 मार्क्स कोई स्टूडेंट को आ रहे हैं, 95 मार्क्स स्टूडेंट को आ रहे हैं, इसका क्या राज है? एक्चुअली जितने भी टाइप्स है ऑलमोस्ट हर टाइप कवर कर दिया है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचता है जो एग्जाम में वो पूछे और हमारा देखा हुआ ना हो, तो मिस्टेक का तो फिर चांस नहीं बनता, क्योंकि थाउजेंड्स में क्वेश्चंस करते हैं मैथ्स में, थाउजेंड्स में स्टैटिस्टिक्स में, तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। एवरी टाइप इज कवर्ड। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स के टीचर का क्या रोल कहना चाहोगे आप? तो डेफिनेटली अगर 40-20-40 ये फॉर्मूला है मैथ्स लॉजिकल स्टैट्स का, तो जितनी मेहनत मैथ्स लॉजिकल में होती है अगर उतनी स्टैट्स में भी हो रही है सर तो उसका डेफिनेटली एक सिनर्जी इफेक्ट क्रिएट होती है, उतने मार्क्स बढ़ते हैं, क्योंकि नहीं तो मैथ्स में मार्क्स आ गए स्टैट्स में नहीं आए तो ओवरऑल स्कोर डाउन होता है। एंड सर, इट्स नॉट जस्ट दैट 90 प्लस स्टूडेंट्स को आए, तो वो तो स्टूडेंट्स की भी बहुत एक्सेप्शनल मेहनत रहती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को 60 प्लस आए हैं। तो मेरे पास में कुछ नंबर्स हैं, 119 स्टूडेंट्स इन 2022 स्कोर्ड 60 एंड अबव मार्क्स इन मैथ्स LRN स्टैटिस्टिक्स, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट, एंड आई होप ये मेहनत आप बढ़िया जारी रखो। नहीं, वो तो सेम, आपका भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है, एंड बच्चों ने भी इसमें बहुत मेहनत किया है। हम लोग तो, हमारा काम है कि उनको बहुत अच्छे नोट्स दे, बहुत अच्छी टीचिंग कराए, मगर बच्चों का भी काम होता है मेहनत करना, उन्होंने भी किया है, तो ये जो जॉइंट एफर्ट बनता है अपना बच्चों का मिलके, तो एक बहुत ऑसम रिजल्ट क्रिएट होता है। सो ये सब्जेक्ट जो है इसमें कई स्टूडेंट्स डरते हैं, लेकिन हम लोग मतलब इनको कंटिन्यूअस बेसिस पे डेली होमवर्क दे रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, साथ साथ में क्लास टेस्ट ले रहे हैं, और फिर बाद में टेस्ट सीरीज तो होती है, वन डे रिवीजन होता है, डाउट सॉल्विंग होता है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें एडअप होती हैं, एंड ऑन द टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट ट्रस्ट दैट द स्टूडेंट्स हैव इम्पोज्ड इन द टीचर्स, ये बहुत मैटर करता है स्पेशली मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। एवरी स्मॉल एफर्ट काउंट्स। थैंक यू सर।